हेलो नमस्कार शास्त्रीय काल गेम शो कैसे गाय करो हाल है क्या जी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना चो मनक्कम खमना गनी हुकुम केम ती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि तुला राशि वालों के लिए नवम्बर का महीना कैसा रहेगा। नवंबर के महीने में तुला राशि वालों को क्या अच्छा क्या बुरा फल मिलेगा इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब देखें कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य नीच का तुला राशि वालों के मस्तक पर भी विराजमान है जो कब तक है तो 16 नवंबर से पहले तक। 16 नवंबर को सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में चला जाएगा वृश्चिक राशि में और शुक्र देवता 7 नवंबर से पहले तक दूसरे भाव में, बुध पूरे महीने दूसरे भाव में, 7 नवंबर के बाद शुक्र चले आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में, शनि पंचम में, राहु छठे में, गुरु अष्टम में ही रहेंगे और मंगल पूरे महीने दशम भाव में नीच की और केतु द्वादश भाव में रहे। इन सब का तुला राशि वालों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा कितना बुरा रिजल्ट देंगे ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझने की और समझाने का दोनों प्रयास करता हूं, दोनों बताने की कोशिश करता हूं। चर्चा किससे शुरू की जाए, पहले कुछ अच्छी बातें सुन लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं तो आपको बड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। चर्चा शुरू करें किससे करें किससे करें, शुक्र या चलो सूर्य से ही शुरू करते हैं। ग्रह राज सूर्य है, सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में नीच का विराजमान है। 16 नवंबर से पहले सूर्य आपको गुस्सा ज्यादा दिलवाएगा, छोटी छोटी बातों पर में आप थोड़े से क्रोध में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे आप। 16 नवंबर से पहले प्रथम भाव में बैठा हुआ जो सूर्य है ये आपके बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास करेगा, आपके बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि जो सही है वो गलत और जो गलत है वो सही, ऐसा आप सोचो। सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में उच्च की है तो जीवन साथी का सुख 16 नवंबर से पहले सूर्य आपको दिलवाने का प्रयास करेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये जो सूर्य है आपको कमाल करने की कोशिश करेगा। सूर्य का सप्तम भाव में बैठना आपके लिए अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो 16 नवंबर से पहले उससे भी राहत दे देगा। और 16 नवंबर के बाद और 16 नवंबर से पहले सूर्य क्योंकि कुंडली के एकादश भाव का मालिक होकर के नीच का प्रथम भाव में है तो आप कोई भी बुरा से बुरा काम करके भी या अच्छा से अच्छा काम करके भी किसी भी प्रकार का काम करके इस समय में आप पैसा को प्रधानता देंगे। इस समय में आपका एक ही ईमान और एक ही धर्म रहेगा 16 नवंबर से पहले, वो है पैसा। किसी भी प्रकार से आपके पास में पैसा आ जाए और पैसे कुछ आने के योग भी बन रहे हैं। सूर्य 16 नवंबर के बाद जब कुंडली के दूसरे भाव में चला जाएगा तो आपको यानी कि धन धान्य संपत्ति का मालिक चला गया बैंक बैलेंस में तो यही सूर्य आपके लिए फिर पैसा जमा करवाने का प्रयास करेगा कि आपके पास में कुछ मोटा रकम आ जाए, आपके पास में पैसा कुछ जमा हो जाए, स्टोरेज हो जाए, ऐसी सूर्य की कोशिश रहेगी। सूर्य की दूसरे भाव में बैठने के कारण परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और कुछ पड़ोसी से भी आपका फायदा होगा। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में भी है सूर्य का तो अगर कहीं विदेश से जुड़े हुए हो, कहीं जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है उस राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य से स्टेट से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको कुछ अच्छा खासा मोटा लाभ मिलने के जो है संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य के बाद थोड़ा सा मंगल की चर्चा कर लेते हैं। मंगल नीच का कुंडली के दशम भाव में है, पिताजी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, पिता की संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, मान सम्मान में आपको कुछ कमी आ सकती है। और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के चतुर्थ भाव पर में है लेकिन उच्च की है तो उच्च की जो दृष्टि है वो आपके सुखों में वृद्धि करने का प्रयास करेगी। उच्च की जो दृष्टि है वो आपके लिए कुछ जमीन मकान गाड़ी इन सब की या तो प्राप्ति अथवा ये जो है आपके पास में तो इसका सुख भोगने का आपको अवसर मिल सकता है।
दशम भाव में नीच का मंगल घुटनों से संबंधित परेशानी देगा, पांव में चोट वगैरह लगने के योग भी बनाएगा। मंगल के बाद बुध जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है और बुध पूरे महीने दूसरे ही भाव में रहेंगे। भाग्य का मालिक धन के घर में, यानी कि भाग्य भरोसे धन प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। इस समय आपके पॉकेट में, इस समय आपके बैंक में कुछ पैसा भाग्य भरोसे भी, भाग्य के बदौलत भी मिलने के योग है। वहां से भी कुछ आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। आपको ससुराल से भी कुछ धन के लाभ का योग मैं देख रहा हूँ। ससुराल से भी किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ करके आपके पास में पैसा मोटा आ सकता है, ऐसी संभावना मैं देख रहा हूँ। आपके पैसे धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जाएंगे, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में है और गुरु मालिक है इस कुंडली में भाई बहन का, यानी कि भाई बहन के ऊपर में कुछ संकट का योग है। भाई बहन का काम होते होते बिगड़ेगा, इतना आसानी से इस महीने में बनेगा नहीं, क्योंकि भाई बहन का मालिक गुरु कुंडली के अष्टम भाव में, वो भी अगर छोटा भाई बहन है तो उसके लिए ज्यादा खराब समय है ये। शुक्र देवता 7 नवंबर से पहले दूसरे भाव में, यानी कि आपके कुंडली के जो मालिक है, आपके राशि के जो मालिक है शुक्र, वो कुंडली के दूसरे भाव में, अर्थात आप ही को उठा करके धन के ढेरी पे बैठा दिया गया है। यानी कि आप इस समय में अपने बदौलत इस महीने में 7 नवंबर से पहले शुक्र के कारण मोटा पैसा अर्जन करेंगे, मोटा पैसा आपको प्राप्ति भी होगा, ऐसा नजर आ रहा है। 7 नवंबर के बाद जब शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके हाथ फूलने लगेंगे, आपके शरीर में फड़फड़ाहट होगी, आप उड़ने के लिए बेचैन होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र का तीसरे भाव में बैठना आपके मन में किसी को कुछ बड़ा गिफ्ट देने की भी भाव को उत्पन्न कर सकता है, किसी को कुछ देने की इच्छा आपके मन में आएगी, ऐसा शुक्र के बैठने कर। पराक्रम में खूब वृद्धि हो जाएगी, शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, बड़े बड़े काम को करने के लिए आपके अंदर साहस आ जाएगा। कई बार तो आप उस साहस को दुस्साहस में भी बदल देंगे, असंभव को भी संभव करने की कोशिश करेंगे और साध लेंगे आप, सबसे बड़ी बात ये। और शुक्र जो है सो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये मानो कि छोटे भाई बहन जूनियर्स के ऊपर में देव गुरु के कारण संकट है, लेकिन दैत्य गुरु उसकी रक्षा करेगा। दैत्य गुरु चाहेगा कि इसका काम कुछ हो जाए, और आपका सपोर्ट जब छोटे भाई बहन को मिल जाएगा तो उसका काम और तेजी से होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, जल्दी से जल्दी होगा। शनि की अगर बात करूं तो कुंडली के पंचम भाव में शनि है देवी और सज्जनों। पांचवें भाव में कुंभ राशि में अपने ही घर में बैठा हुआ शनि संतान का सुख देना चाहता है आपको, प्रेम संबंध के मामले में अच्छा लाभ देना चाहता है आपको। शनि का कुंडली के सब पंचम भाव में बैठना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपके लिए पंचम भाव का शनि अचानक से धन के लाभ का भी योग बना रहा है। रैंडम कहीं से पैसा आपके पास में आ सकता है। कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ शनि जो है सो आपके लिए ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि आपको पंचम भाव में है ये, तो ये आपके यश में भी वृद्धि करेगा, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ाएगा ये शनि। इस समय में जो लोग आपसे नफरत करते थे उसमें से बहुत सारे लोग आपके अपने हो जाएंगे। और राहु कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव में बैठा हुआ राहु दुश्मन से थोड़ा सा सावधान रहने के लिए इशारा कर रहा है, क्योंकि आप कितना भी आगे बढ़ो, कितना भी कुछ करो, दुश्मन पीछा नहीं छोड़ता आज के समय में किसी का, तो आप ही का क्यों छोड़ेगा। केतु कुंडली के 12वें भाव में है, विदेश से कहीं से कोई कनेक्शन है, विदेश में हो बैठे हुए या विदेश से कोई जुड़ाव है, जन्म धरती से दूर हो, कुछ ना कुछ युक्ति लगा के, जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा करके केतु आपको लाभ देने का प्रयास करेगा। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जहां तक उपाय की बात है तो 16 नवंबर तक सूर्य के लिए अगर संभव हो तो स्नान करके सुबह में सूर्य को डेली जल दो या रविवार को जल दो। दूसरा,
मंगल के लिए इस महीने में हनुमान चालीसा का अगर संभव हो तो डेली पाठ करो, नहीं तो मंगलवार के दिन करो। तीसरा, गुरु के लिए जो है अष्टम भाव में गुरु है तो रुकावट उत्पन्न करेंगे, तो बृहस्पतिवार के दिन नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जितना बार हो सके जाप कर लो। राहु कुंडली के छठे भाव में है, शनिवार के दिन राहु जो है सो कुछ काले चीजों का दान कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो समय बढ़िया है, हल्का फल्का विपरीत ग्रह है तो जीवन में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कौन है ऐसा जो सदा फूल के सेज पर ही चलता है। देवी और सज्जनों, तो यही थी तुला राशि वालों के नवंबर 2024 की कहानी। और अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे अपने जन्म कुंडली या हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हो, वो भी बिल्कुल सटीक और सच्चाई और जानने की क्षमता है, करवे सच को सुनने की क्षमता है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जानकारी हासिल करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। राम राम।